नमस्कार दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से सारी क्लासेस डिस्टर्ब चल रही हैं। आप लोग बहुत परेशान हैं अपनी क्लासेस को लेकर के कि क्लासेस सर अपने शेड्यूल पे नहीं हो रही हैं, लाइव नहीं हो रही क्लासेस। मित्रों, आपको हो सकता हो जानकारी मिली हो कि पिछले 2-3 दिन पहले हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था अपने सलोरी निवास पर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। यही फ्लैट पे, स्टूडियो पे ही हम लोगों का निवास भी, यहीं से हम लोगों की क्लासेस भी ऑनलाइन चलती हैं। कुछ अराजक तत्वों ने शाम को लगभग 11 बजे के करीब आकर के हम लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अगर भगवान की कृपा है और आप सब लोगों का प्यार है हम लोगों के साथ, तो इतना आसानी से और इतना जल्दी हम लोगों को कोई नहीं मार सकता। और वैसे भी जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई। स्थिति ये समझ लीजिए कि हम लोग डिनर करके जैसे बाहर आ रहे थे, तुरंत बाहर से लोग पूछ रहे हैं कौन है आशुतोष उपाध्याय, कौन है रत्नाकर उपाध्याय। तो जो भी हम लोगों के सहयोगी हैं, जो भी कर्मचारी लोग थे यहाँ पे, वो जाकर के उनसे मिलने की कोशिश किए, तो उनसे हाथापाई करने लगे। और फिर रत्नाकर बाहर गए तो इनसे भी लोगों ने थोड़ा सा हाथापाई करने की कोशिश की। बार बार उन्हें गेट से बाहर लेके जा रहे हैं, खींचे कि आप आइए गेट के बाहर, मैं बताऊँ आपको कौन है। क्योंकि हम लोगों के हर जगह पर कैमरा लगा होता है, ये मतलब हम लोग सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं कि कैमरा रहेगा तो हम लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा, क्या एक्टिविटी हो रही है हम लोगों को पता रहेगा, एटलीस्ट हमारे स्टूडियो में, हमारे फ्लैट पे। लेकिन ये स्थिति है कि अब समाज में क्या बताया जाए, देख रहे होंगे रत्नाकर के आँख के पास, मतलब थोड़ा सा ही बचा है कि उसकी, नहीं तो उसकी शायद आँख चली जाती। और एक हमारे सहयोगी जी विश्वजीत जी थे, जिनको पूरा पैर उनका फट गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, अभी तक वो हॉस्पिटलाइज ही है। रत्नाकर तो आ भी गया, वो हॉस्पिटल से आकर मेडिकल वेरिफिकेशन भी हुआ है, हम लोगों ने FIR भी कराया है, एक्ट्स लगे हैं, FIR की कॉपी भी एक है जिसका FIR नंबर 338 है। और थाना कर्नलगंज जो प्रयागराज में है, यहाँ पे 147, आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पे 147 एक्ट तब लगता है जब जहाँ पे 5 से अधिक 4 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। और 286 लगा हुआ है IPC। और ये 286 इसलिए होता है कि जब लोग बॉम्ब अटैक करते हैं, किसी एक्सप्लोजिव से आपके ऊपर अटैक करते हैं, और 307 धारा लगी हुई है। लेकिन दुख की बात ये है कि हम लोगों का काम शिक्षा से है, हम लोगों का काम है शिक्षा प्रदान करना, और हम लोगों को भी लोग जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी एक आध बार लोगों ने मैसेज किया है, कॉल किया था, आकर के धमकी दी थी, लेकिन इस प्रकार इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा हम लोग को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। और ये है कि अगर इनको ये लगता है कि हम लोग डर जाएंगे, तो यार हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक एक भी अपने शरीर में ब्लड की बूंद रहेगी, जब तक भी सांसें चलेंगी, हम लोग लगातार रहेंगे। हम लोग कोई ऐसा गलत काम नहीं करते जिससे हमें किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत है। अब लगातार सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा, सर बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये था कि थोड़ा सा चीज़ें अगर आप लोग जान लेंगे तो शायद समझ में आ जाए। अब क्या था, 2 दिन ये हॉस्पिटल में भी थे लोगों के साथ, वहाँ पे भी मतलब पूरे एक तरीके से कि हर कॉल्स की हम लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, पुलिस जो भी हम लोगों के आसपास लोगों सबको पुलिस पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आप अगर अच्छे हैं तो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है। अगर आप कुछ अगर सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं तब भी लोग को तकलीफें हैं। हमारे ऑफलाइन सारे सेंटर्स पे लगातार जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं उनका छापा पड़ रहा है, लोगों से मिलजुल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है एजुकेशन में, लेकिन फिर भी ये चीज़ें लगी हुई हैं। बाकी हम क्या ही बताएं दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भैया ने दे ही दिया आपको, और हम क्या बताएं आपको, जो चीज़ें हुई हैं वो अनबिलेबल था, अविश्वसनीय था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों के साथ ऐसा होगा। क्योंकि हम लोग किसी से ना लड़ाई झगड़ा ना बातचीत कुछ भी नहीं, जो कुछ भी होता है हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर लेते हैं। और अब क्या बताएं, लोगों ने सीधा बम अटैक किया है, तो काफ़ी ज़्यादा घायल हम भी हुए हैं, पूरे पैर में कम से कम 10-15 छर्रियाँ लगी हुई हैं, पूरा पैर फटा हुआ है हम लोगों का, आँख के पास आँख बच गई, नहीं तो शायद आँख से हम देख भी ना पाते। तो ये सारी चीज़, ये घटनाएं इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि अब ऐसा लग रहा है कि
इंसान अगर सही है और सीधा है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। आप लोगों का प्यार है ना हम लोगों के साथ, लगभग 2-2.5 लाख बच्चों का प्यार है अपने साथ, और भी बच्चे प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं। तो जो ये प्यार है ना, ये हम लोगों को कुछ होने नहीं देगा। अभी आपने एक छोटी सी शायरी भी सुनी होगी कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो हम लोगों के साइयाँ, हम लोगों के भगवान और हम लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, सब कुछ आप लोग हो, आपकी बदौलत ही सब कुछ हो पाता है। तो कोई इस तरीके से जो कर रहा है उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, और सरकार हमारी कोशिश भी कर रही है, इस पर लगी भी हुई है, टीम का गठन भी हुआ है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो पकड़ा जाएगा, और जिस तरीके से उसने ये हिम्मत किया है वो बचेगा नहीं। लेकिन दोस्तों ये है कि परेशान करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि ये लोग अपने काम से डिस्टरबेंस क्रिएट हो तो ये लोग अपना काम बंद कर दें, भाग जाएं। लेकिन एक बात बता दूं, ना तो भागने वाले हैं हम लोग और ना ही अपना काम डिस्टर्ब करने वाले हैं। भाई मारना हो तो जान से मार दो, अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से तुम्हें, अगर मारना हो तो जान से मार देना, डराओ धमकाओ मत। क्योंकि जब तक एक बूंद का भी कतरा रहेगा शरीर में ना, तब तक हार नहीं मानने वाले। तो इस वजह से बस इतना ही ये मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि ना उस स्थिति में हैं हम लोग कि किसी से कुछ कह पाएँ। कारण क्या है कि क्लियर नहीं है अभी तो, लेकिन सरकार लगी है तो क्लियर कर ही लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। हम सरकार से अपने और प्रशासन से यही आग्रह और निवेदन भी करते हैं कि सर इस पे जितना से जल्दी जल्दी हो सके इसको कार्यवाही की जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों के साथ भी वही हो जो और लोगों के साथ होता है। वैसे ये घटना जो है 12/7/2022 की घटना है, रात को 10:45 से 10:55 के बीच की घटना है। वो लोग आए और पूछने लगे कि आशुतोष उपाध्याय कौन है, रत्नाकर कौन है, तो हम कहें हम हैं। तो बातचीत होने लगी, फिर वो उन्होंने जो है बाहर, हम लोग गए बाहर बात किए, मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, फिर वो लोग भागने लगे और अपने हाथ में गन और पिस्तौल और डंडे लाठियां भी ले रखा था उन्होंने, और कई बम भी रखे थे अपने पॉकेट में, जिसमें से एक बम मेरे पैर पे ही फायर कर दिया उसने, तो पैर हमारा फट चुका है, काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। तो इस वजह से हम आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ मंडे से सारी क्लासेस अपने टाइम से चलेंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर कल से हम उम्मीद करते हैं कि जो है आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। बाकी हम लोग क्लास में फिर से वही एनर्जी के साथ, फिर से उसी मेहनत के साथ हम लोग मिलेंगे दोस्तों। और आगे से आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिएगा थोड़ा सा, कि ये जो अराजक तत्व हैं, जो ये लोग हैं डिस्टर्ब करने वाले, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क रहिएगा। इस मैसेज को आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर पहुँचाएगा कि इस तरीके से जब एक हम लोग फ्री शिक्षा भी प्रोवाइड करते हैं, गरीब बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ाते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, एनजीओ चलाते हैं अपना खुद का, लेकिन जब हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी संभव है दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्लास में मिलते हैं, आगे की बातचीत अब क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है मित्रों, आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए, और सारे सेंटर्स, चाहे वो हमारा सलोरी ब्रांच हो, सिविल लाइंस हो, कटरा राजापुर, सारे सेंटर क्लासेस मंडे से अपने टाइम से चलेंगे, और ऑनलाइन की भी सारी क्लासेस चलेंगी। बस ये कि थोड़ा सा हम लोग परेशान थे, इसलिए परेशान थे कि ऐसा कौन है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है, बस ये सोच के परेशान थे। हालांकि पूरे तरीके से प्रशासन के सारी अधिकारी हम लोगों के साथ हैं, वो जाँच भी कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच भी लगा हुआ है, सारे रिपोर्ट्स भी हम लोगों को अपडेट्स भी मिल रहे हैं, हमारे स्टाफ के भी कई सारे लोगों का फ़ोन सर्वेलांस पे लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है दिक्कत सिस्टम में, जिस वजह से ये ऐसा हम लोगों के साथ सलूक किया गया है। कुछ लोग तो हैं जिनको तकलीफ़ है हम लोगों से,
और अगर तकलीफ हो भी तो हम लोग कहते हैं आप आके बताइए हमसे, भाई हम आपकी तकलीफ़ को दूर करेंगे, जिस प्रकार से आपकी तकलीफ़ है उस प्रकार से दूर करेंगे। लेकिन ये मतलब इतनी घिनौनी हरकत की पीठ के पीछे वार करना, अंधेरे में आना और अटैक करना, फायरिंग करना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या बताया जाए, समाज के लिए एक गलत संदेश भी है। लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते, हम लोग बिल्कुल भी एक उम्मीद नहीं किए थे कैसा हम लोगों के साथ भी होगा। लेकिन अब जीवन है तो क्या करेंगे, जो भी होगा उसे देखना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। हम लोग क्लासेस मंडे से फिर अपने टाइम से सब चलेंगे। ओके, थैंक यू।